दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस डीएमएस हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में टेक टिप्स देने वाला हूँ आप सभी को, जो आप सभी का बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों इस केस में जो है, आप जो ईमेल फॉरवर्डिंग के अगर चाहते हैं ईमेल फॉरवर्ड करना कि आप दूसरा ईमेल आईडी में आपका मेल जो है सारे फॉरवर्ड होके आए, या जो है आप चाहते हैं कि जितने भी मेल एक आपका ऑफिस का हो गया है या आपका पर्सनल मेल आईडी में वो सारे ऑफिस का मेल आपका पर्सनल मेल में भी फॉरवर्ड होके आ जाए, तो इस केस में आप कैसे जो है ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी ईमेल आईडी से किसी भी ईमेल आईडी में। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है, जो वीडियो आपको बहुत काम के फ़ायदे देने वाले हैं दोस्तों। तो इससे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एचडीएमएस रिलेटेड व जो है टेक टिप्स रिलेटेड मैं कंटेंट लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको जो है उस मेल आईडी पर लॉगिन हो जाना है जिस मेल आईडी का मेल आप जो है दूसरे मेल पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके बाद आप सेटिंग पर आ जाइए। सेटिंग जैसे ही जाएंगे मैनेज लेबल्स करके आया, ऊपर की साइड आपको फॉरवर्ड एंड पीओपी ऐप पर दिखाई देगा। उसके बाद ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस ऐप पर आपको सिंपली दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यही से सारा काम होगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मेल आईडी पूछेंगे, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मेल आईडी डाल देता हूँ, और इसी मेल आईडी का जिस इस आईडी में जो है आपको इस मेल आईडी का भी लॉगिन करना होगा। तो मैं इस मेल आईडी को भी लॉगिन करके दिखाऊंगा और क्या क्या प्रोसेस है। तो आपको उसके बाद सबमिट करेंगे, एक पॉपअप विंडो आएगा, पॉपअप विंडो में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कन्फर्म्ड हो जाएगा, और उन लोगों ने बताया कि दूसरे मेल आईडी पर आपका इस मेल आईडी पर एक मेल गया है कन्फर्मेशन के लिए, तो उस मेल आईडी को मुझे ओपन कर लेना है। ओके दोस्तों, तो उस मेल आईडी को मैं करता हूँ ओपन और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे मेल आईडी पर मेल आ गए हैं कि गूगल टीम की तरफ से, जीमेल टीम की तरफ से। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना होगा, और यहाँ पर एक कोड दिए गए हैं कन्फर्मेशन कोड, और बोला गया है कि इस मेल आईडी का मेल इस मेल आईडी में फॉरवर्ड होगा। ओके तो दोस्तों कन्फर्मेशन कोड को आपको कॉपी कर लेना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जो है एक लिंक दिए गए हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोसेस वो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करके क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म्ड सक्सेस, यानी जो हमारा कंफर्मेशन था वो सक्सेस हो गए। और दूसरे जो पे प्राइमरी मेल आईडी है, जिस मेल आईडी से मैंने रिक्वेस्ट भेजा था, उस मेल आईडी पर ये कंफर्मेशन कोड डालना होगा। ओके दोस्तों, तो मैं गूगल क्रोम में था उस मेल आईडी पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। दोस्तों ये वेरीफाई हो गए है, और चलिए मैं मेल को अब जो है मेल सेंड करके देखूँगा। और ऐप पर आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग है, कीप जीमेल कॉपी इन द इनबॉक्स, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको दोनों तरफ का जो है यहाँ पर भी मेल रहेगा और उस जीमेल आईडी पर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे ऑप्शन से आप एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि डिलीटेड जितने सारी मेल है उस मेल आईडी पर फॉरवर्ड हो जाए, या जो मार्क किए हुए है स्टार वो फॉरवर्ड हो जाए। इस तरीके से आप अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने वो सारी सेटिंग कर दी है और मेल करके दिखाता हूँ। एक दूसरे मेल आईडी से मैं मोबाइल से मेल करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं कि ईमेल जाता है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेल आ चुका है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं दूसरे मेल आईडी पर भी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं ये मेल। ओके तो दोस्तों मैं दूसरे ब्राउज़र पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इनबॉक्स पर देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेल आया नहीं है, तो मैंने तो कुछ गलती की है। वो गलती क्या की है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैं प्राइमरी ईमेल आईडी पर सेटिंग को पहले देखना होगा कि क्या पोजीशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्डिंग ए कॉपी, ये जो फॉरवर्डिंग वाला बटन है यहाँ पर मैंने क्लिक नहीं किया था और डिजिबल फॉरवर्डिंग में था। ओके दोस्तों, तो डिजिबल फॉरवर्डिंग में आपको डिजिबल कर सकते हैं।
तो सेव कर दिया मैंने। उसके बाद में दूसरी बार मेल भेजता हूँ इसी मेल पर, और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है मेल दूसरे में, दोनों में एक ही मेल आता है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं मेल ऐप पर भेज देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि काम करते हैं नहीं सही ढंग से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग दिखाई दे रहा है, पॉपअप विंडो, और यहाँ पर मेल भी आ चुका है। दूसरे मेल आईडी पर भी चेक करके देखते हैं कि आया है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं दूसरे मेल आईडी पर चलाता हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम मेल यहाँ पर भी आ चुका है एट द सेम टाइम। ओके दोस्तों, देख सकते हैं टाइम भी एक है और मेल भी एक ही है। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आई धन्यवाद। होप गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद है, तो लाइक करना तो ज़रूर पड़ेगा, और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।